खबरों पर। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने बताया कि पीएम मोदी से उनकी मुलाकात हुई थी, जिसमें राज्य के विभिन्न विषयों पर और पार्टी संगठन को लेकर भी बातचीत की गई थी। तो वहीं बैकडोर भर्तियों पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बेहद दुखद है, बल्कि यह आपराधिक कृत्य भी है, लेकिन सरकार ने जिस तरह से स्टेप लिया है और एसटीएफ ने कार्रवाई की, इससे लोगों का विश्वास बना है। तो वहीं उन्होंने सीबीआई जांच के सवाल पर कहा कि सीबीआई से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जब एसटीएफ जांच कर रही है तो ठीक है। तो जब किसी गिरफ्तारी हो रही है तो वो किसके कहने पर हो रही है, किसने क्या उनके बारे में बयान दिया, वो सब नोटेड है, समय पर सब चीजें बाहर आएंगी। पहले ही कोई चीज बता तो रही ना कि उन्होंने बताया कि इसने हमसे पैसा लिया, इतने में पेपर दिया, नाम उजागर नहीं हो रहे हैं। आखिर गिरफ्तारी जब हो रही है तो कल जब ये कोर्ट में जाएंगे तो समय तो सारी चीज़ें सामने उजागर होंगी कि इसने ये बोला, ये सारे तथ्य रखने पड़ेंगे। तो कुछ चीज़ें जांच की दृष्टि से रखी जाती हैं कि उनको समय आने पर ही बाहर आएंगी। वहाँ पर जो कमेटी गठित की है, मेरे तो ऑफिसर बहुत अच्छे हैं और विधानसभा अध्यक्ष की जो पृष्ठभूमि है और जो मेरे साथ उन्होंने 4 साल विधायक के नाते मेरे साथ रही हैं, काम किया है, जो मैंने उनका स्वभाव देखा है, जो उनका करेक्टर देखा है, जिस तरह की बोल्डनेस हमारे और ईमानदारी हमारे विधानसभा अध्यक्ष में है, ईमानदारी है और विजन है, सोच है। राजनीति कर रहे हैं तो हमको कैसी राजनीति करनी है, एक सोच के साथ जो काम करने वाली है। हमको उन्होंने जांच के आदेश दिए।